एक बात मैं अपने व्यूवर से कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे मतलब जो वीडियोस हैं वो सिर्फ बिहार झारखंड वालों के लिए ही है, तो अगर आपको डॉग के लिए कॉन्टेक्ट करना हो तो सिर्फ बिहार झारखंड वाले ही करें, बिहार झारखंड के बाहर वाले ना करें। और काफी सारे बच्चों के कॉल आते रहते हैं मुझे, तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको रिकॉर्डिंग भी डालूंगा, आप चेक करना। बहुत सारे बच्चों के कॉल आते रहते हैं और बहुत परेशानी होती है मुझे, और खासकर बाहर के ही होते, बिहार झारखंड के बाहर के ही होते, तो मदर फादर थोड़ा ध्यान देंगे उनके तो हमारे पे थोड़ा परेशानी कम हो जाएगी। क्योंकि बहुत बच्चों के कॉल आते हैं और रिकॉर्डिंग देखेंगे आप कि किस टाइप का है, वीडियो के लास्ट में आपको रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिलेगा। तो खाने पीने का अपना तीन चार टाइप का आपको बता दिया गया। फ्यूचर में आप वेजिटेबल बॉइल चिकन वगैरह बॉइल करके आप चावल के साथ दे सकते हैं, उतना राइट का रात का डाइट होगी अपना, उसमें आपकी चिकन क्या मुझे लेना है ना, कोई भी तली हुई चीज़ें नहीं देनी है, चॉकलेट वगैरह नहीं, आइसक्रीम वगैरह करना हो तो सिर्फ बिहार झारखंड वाले ही करें, बिहार झारखंड के बाहर वाले ना करें। और काफ़ी सारे बच्चों के कॉल आप कैरी कर सकते हैं, तो इसको देखते हैं, तो वैसे लोग जो अपने साथ डॉग नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आर्य प्रसाद से। आज हमारे पास, और आपने व्हाइट कलर का तो बहुत सारा देखा होगा, अभी हमारे पास रेयर कलर है जो कि ब्लैक कलर का, तो पहले वो दिखाते हैं। आज हमारे साथ जो क्लाइंट आया है वो भी काफ़ी डिस्टेंस से आया है, वो भी अप्रॉक्सीमेट 250 किलोमीटर यहाँ से होना चाहिए, 200-250 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट है। तो आप बाकी जानते हैं उनसे खुद से कि वो कहाँ से आया और एड्रेस क्या है उनका। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसकी डाइट क्या होगी, और जो कि वो 3 महीने से ऊपर का बच्चा है तो उसके खाने पीने के बारे में बताया जाएगा। तो आप सेमी एडल्ट बच्चे को घर का क्या खाना दे सकते हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे, और उसको क्या देना चाहिए जो कि उसके हेल्थ के लिए बेटर होता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये अपना कल्चर का बच्चा है जो कि ब्लैक कलर का है, बट वाइट पैच है इसके चेस्ट पे। और ये बच्चा आपका अप्रॉक्सीमेट 3 केजी के आसपास का, लाइफ टाइम इसका वजन 5 केजी के ऊपर नहीं जाएगा। और ये काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी फ्रेंडली भी होते हैं, तो घर में अगर आपका नॉर्मल घर टाइप है तो उसमें आप आराम से पाल सकते हैं इस बच्चे को। और ये काफ़ी छोटे होने के कारण इसको लाइफ टाइम आप कैरी कर सकते हैं, तो इसको जब भी वैसे लोग जो अपने साथ डॉग रखना पसंद करते हैं वो ऐसे डॉग को ज़रूर परचेज करें, क्योंकि इस डॉग को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। और आप कहीं पार्क में गए घूमने गए या कहीं गाड़ी से जाना हुआ तो आराम से इसको, बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते हैं और आराम से इसको कैरी भी किया जा सकता है। तो ये बच्चा है, पहले आप बच्चे की क्वालिटी देख लें और इसके फर की क्वालिटी देख लें, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी लंबे बाल होते हैं इसके। ये हमारा बच्चा 3 महीने से ऊपर का बच्चा है, तो चलिए इसके बाल काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी लंबे होते हैं इसके बाल। अभी तो ये सेड इसका गया हुआ क्योंकि ये 3 महीने से अप्रोक्स का बच्चा है, तो मदर के पेट के बाल अभी सारे भी मदर के पेट के बाल ही है। आपको ओरिजिनल बाल इसके कहीं कहीं देखने के मिलेगा, जैसे इसका टेल है तो ये देखिए यहाँ ओरिजिनल बाल है, बाकी इधर जितने भी हैं ये सारे बाल इसके निकल जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं तो मदर के बाल होते हैं उसमें, और मदर के पेट के जितने भी बाल होते हैं वो सारे 3 महीने के बाद से झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अभी इसका बाल झड़ना शुरू हो गया है और धीरे धीरे देखिए आपको इसके फेस पे देखिए ओरिजिनल बाल है सारे, और ये सारा भी पेट के अंदर का बाल है, तो ये सारा कुछ निकल जाएगा इसी और उसमें अप्रॉक्सीमेट आपको 6 महीने का समय लगता है, 6 महीने के अंदर सारा बाल इसका निकल करके ओरिजिनल आ जाता है। तो चलिए आज हमारे जो क्लाइंट है उनसे मिलते हैं। नमस्कार भैया, कहाँ से है आप लोग? और ये काफी एक्टिव डॉग ब्रीड होते हैं, और इस डॉग के बारे में हम जरा बताना चाहेंगे डिटेल्स। ये आपको घर के अंदर कभी भी हमेशा आपको अलर्टनेस दिखेगा इस डॉग में, और ये काफी अलर्ट मोड में रहते हैं हमेशा। अगर घर में आप अकेले हैं ना, या घर के बाहर से आपका कुछ भी गुजरा ना, घर के अगल बगल को या करके कुछ भी छेड़ ये पहले आपको अलर्ट कर देगा, ये चिल्ला करके तुरंत से। नमस्कार भैया, आप लोग कहाँ से हैं, एड्रेस क्या है आपका? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है, लगभग 200 किलोमीटर के तकरीबन से हम लोग आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन चौरसिया। और आप लोग? तो आप इसके डाइट की बात कर लेते हैं, तो अभी भैया जैसे घर में अभी आप लेकर के जाते हैं, तो
तो अभी 2 से 3 टाइम इसको खाना देना होता है, जनरली 2 टाइम ही देना है, तीसरा टाइम में स्नैक्स वगैरह रहेगा जिसमें छेना अंडा पनीर वगैरह दे सकते हैं। तो इसका पहले खाने का डाइट को हम पूरा डिटेल में बता दें और उसके अलावा भी बताएंगे जो कि घर के खाने को क्या दिया जा सकता है घर के खाने में, वो भी बताएंगे। पहले इसका फूड वगैरह का डिटेल। तो भैया पहले आप लोगों ने डॉग पाला है या फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम है तो आप इसको इसमें पानी ले लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, 2 कप के अराउंड पानी ले लीजिएगा, इसमें से 1 कप फूड ले लीजिएगा, डॉग फूड जो है इसका 1 कप फूड ले लीजिएगा, इसमें मिक्स करके दे दीजिएगा और सुबह जब खाना देंगे ना तो इसमें 1 चम्मच ये मिला करके दे देंगे, तो ये खाने में पचाने का क्षमता बना कर रखता है, पचने में इसलिए आप ये खाना खाने में मिला करके दे देंगे सुबह सुबह में एक ढक्कन। हाँ, एक ढक्कन, इसमें चम्मच है, इसके अंदर चम्मच मिला करके दे देंगे। उसके बाद ये लीवर टॉनिक है, ये दो दिन चलाएंगे, चलाने के बाद दूसरे दिन ये पेट का कीड़ा का दवा बेटे नहीं रो, तो ये 2 दिन के बाद इसको पेट का कीड़ा का दवा दे देंगे, ठीक है। 2 दिन लेने के बाद सुबह से आप खाना दिए नहीं, तो 2 दिन के बाद फिर आप इसको खाना दे दीजिएगा और जो दवा दे दीजिएगा। तो आप इसको सुबह जब खाना दे दिया आपने, फिर शाम में सेम वैसा ही खाना रिपीट हो जाएगा और दोपहर में दही वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब बात रहा घर के खाने पे, तो गेहूं का दलिया भी आप सुबह सुबह दे सकते हैं, दही चावल भी दिया जा सकता है इसको और दूध रोटी भी दिया जा सकता है, लेकिन दूध देंगे तो आधा दूध और आधा पानी मिक्स करके, वो भी देखेंगे कि इसको डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा, लूज मोशन तो नहीं कर रहा, अगर लूज मोशन करेगा तो लूज मोशन का दवा आता है, वो मैं बता दूंगा फोन पर, क्योंकि देखिए 2-3 चीज परेशान करता है लूज मोशन हो गया। सर्दी खांसी हो गया, ये सब परेशान करता है, सुबह तो फीवर वगैरह हो गया, तो ये सब पैक के लिए जो भी कुछ कभी भी कोई दिक्कत हो आप फोन करके मेरे से डिटेल ले सकते हैं, बाकी डिटेल सर आपको फोन पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा टाइम देंगे, है ना। और जो खाने में जो बाहर से जो खाना देना है जैसे घर के खाने में, तो आप वेजिटेबल बॉईल करके, चावल बॉईल करके एक ही बर्तन में दोनों कुछ बॉईल करके दे सकते हैं, चिकन के साथ भी बॉईल करके दिया जा सकता है उसको, चिकन अगर कलेजी वगैरह है तो ज़्यादा बेटर है, कलेजी का सूप वगैरह पिला सकते हैं इसको, और दही चावल तो सबसे बेस्ट है इसके लिए, तो आप ये तीनों टाइप का खाना इसको दिया जा सकता है। आप यहाँ पे आप लोग आए, आप लोग यहाँ डॉग भी देखा आप लोगों ने और जो भी मैंने बताया कुछ, तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा वो हमारे व्यूवर्स के साथ थोड़ा शेयर करें। बढ़िया रहा, 10/10 है, फुल मतलब हमको मिला, इनका सबसे अच्छा मुझे लगा वो इनका बिहेवियर, कस्टमर के प्रति इनका बिहेवियर सबसे अच्छा लगा मुझे, और फर्दर असिस्टेंस के लिए इन्होंने अपना नंबर दे रखा है हमें, या आगे जो भी कोई कभी भी वो परेशानी तो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, तो आप लोग आके विजिट कर सकते हैं, ये इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। हमारा नंबर गूगल पे सर्च किए तो अच्छा, वही खगड़िया सर्च किया था आपने या पटना खगड़िया से सर्च किया? सर्च खगड़िया से हुआ था, हम लोग लगभग 5-7 दिन से देख रहे थे क्या है नहीं है, सारा प्रोडक्ट मतलब सब पटना में जहाँ जहाँ है सब जगह गूगल ही पर देख रहे, हमको बेस्ट लगा आपका। क्यों रेटिंग वाइज या कुछ फिक्सेस हो? रेटिंग है, उसके बाद सर्विस वगैरह जो भी है सारा चीज आपका हमको बहुत बेहतर। चले यार वो 3 महीने क्लास का बच्चा है, ठीक है ना, तो उसके खाने पीने का जो डाइट होता है वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा ऊपर होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे ले जाते हैं उनके डाइट के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और ये जो बड़े बच्चे हैं इसके डाइट के बारे में उतना ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, आप इसको दिन भर में 2 टाइम खाना दे सकते हैं, 3 टाइम दे सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 3 टाइम दे सकते हैं, ऐसा 2 टाइम में भी इनका काम चल जाता है, सुबह शाम भी देंगे तो चलेगा, शाम के टाइम में आप स्नैक्स वगैरह दे सकते हैं जैसे कि छेना अंडा पनीर ये सब कुछ भी शाम के टाइम में दे सकते हैं, सुबह आप इसको डॉग फूड वगैरह भी दे सकते हैं, अगर घर का खाना देना चाहें तो दही चावल भी दे सकते हैं, सुबह दही चावल दे दें या दूध रोटी भी दिया जा सकता है, दूध उसके डाइजेस्ट सिस्टम पर डिपेंड करता है कि वो पचा पाता या नहीं पचा पाता, अगर आपका डॉग जैसे कि ये इंडियन स्पिट्स का बच्चा है तो ये मैक्सिमम ये बच्चे पचा लेते हैं दूध को, और ये सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन भी इसका ज्यादा होता है, यानी कि जैसे जनरली डॉग 7 से 9 साल का एज होता है, इनका 9 से 14 साल का एज होता है, यानी सबसे ज्यादा जीने वाले भी डॉग यही होता है, लाइफ भी बहुत ज्यादा होता है इनका,
और इम्यून सिस्टम भी तगड़ा होता है बाकी सब डॉग से। बाकी सारे डॉग आपके बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और ये डॉग बहुत रेयरली बीमार होते हैं। तो इसमें उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। गेहूं का दलिया आप ऐड कर सकते हैं, दूध चावल ऐड कर सकते हैं, सॉरी दही चावल ऐड कर सकते हैं, दूध रोटी भी दिया जा सकता है। तो ये सारे क्या टाइप का आपको बता दिया गया। फ्यूचर में आप वेजिटेबल बॉइल करके चावल के साथ दे सकते हैं, चिकन वगैरह बॉइल करके आप चावल के साथ दे सकते हैं। रात का डाइट हो गया अपना, आप चिकन चावल दे सकते हैं, वेजिटेबल चावल भी दे सकते हैं, अपने जो भी सीजनेबल वेजिटेबल हो सबको एक साथ बॉइल कर लेंगे बर्तन में, उसको दे सकते हैं खाने के साथ। बस कुछ चीज़ें ध्यान रखें, जैसे नमक नहीं देना, तेल मसाला नहीं देना है ना, कोई भी तली हुई चीज़ें नहीं देनी है, चॉकलेट वगैरह नहीं देना, आइसक्रीम वगैरह नहीं देना, इन सब चीज़ को अवॉइड करें। बाकी सारा कुछ ये खा पी लेंगे। और कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे खाना जब भी आप खिलाएंगे, खाना खिलाने के बस जस्ट 5 से 10 मिनट बाद आप उसको जहाँ भी आप पॉटी कराना चाहें, घर के बाहर या घर के अंदर कहीं कोने में, कहीं जहाँ भी आप कराना चाहें छत पे, वहाँ पे ले जाके करा सकते हैं, और खाने के 5 से 10 मिनट बाद। बाकी आपको थोड़ा वॉच करना पड़ेगा कि ये करने का टाइमिंग इसका क्या है। ऐसे जनरली डॉग 5 से 10 मिनट के अंदर कर लेते हैं, अदरवाइज आपको दिन भर में भी एक आध बार वॉच करना पड़ेगा कि हाँ मैंने तो सुबह कराया था, दोपहर में जैसे 12-1 बजे के लगभग कर दिया, तो आपको बस वो टाइमिंग पे बाहर लेकर चले जाना। फिर नेक्स्ट फ्यू वीक यानी कि लगभग 6-7 दिन में ही आपको यह असर दिख जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको शोर करके बुला लेंगे कि हमको पॉटी करने जाना है। कुछ दिन ही सब बात के देखने होते हैं, क्योंकि देखिए अभी आप भी जैसे आप यहाँ पे आए हैं तो आपको नहीं पता होगा कि यहाँ वॉशरूम कैसे कहाँ, नहीं पता क्योंकि भाई हमारा घर है, हमको पता है वॉशरूम किधर जाना है। उसी तरह इनको भी उस जगह पे आपके घर पे पता नहीं चलेगा कि कहाँ करना है। तो वहाँ पे आपको जहाँ तक बात है कि यहाँ जो है हम लोग को सर्विस बहुत बेहतर मिला, हम लोग आगे बढ़ गए थे तो भैया लोग गए हम लोग को ले आए, कॉल करके सर्विस मतलब बार बार हम लोग इधर से कॉल नहीं किए, लेकिन भैया हम लोग पे ध्यान दिए कि मतलब कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए दिक्कत उक्कत, हम लोग को लाए, सर्विस बहुत बेहतर है। और जहाँ तक डॉग की बात है तो हम लोग पहली बार ले जा रहे हैं, रेट जेन्युइन तो लगा, रेट हम लोग को बहुत बढ़िया लगा, सारा चीज यहाँ का जो है फैसिलिटी वगैरह जो भी है हमको सब चीज ठीक लगा। चलिए तो हमारे व्यूअर से क्या करना चाहेंगे, आना चाहिए यहाँ पे? नहीं नहीं यहाँ बिल्कुल आप लोग भी यहाँ आइए और घर पे बैठे भी मंगा सकते हैं क्या? हाँ घर पे बैठे भी आप लोग मंगा सकते हैं, यहाँ से होम डिलीवरी भी है। चलिए फिर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, और प्लीज लाइक बहुत कम आ रहा है, थोड़ा आना चाहिए बढ़ा के, है ना प्रदीप, कुछ बोलो भाई अपने। जरूर बिल्कुल क्यों नहीं। ठीक हेलो 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 భయ్యా నేను యూట్యూబ్ లో ప్రీ అడాప్టేషన్ కోసం పప్పీస్ చూసాను దగ్గర ఉన్నాను. హిందీని ఆతా ఆప్కు? అచ్చా హిందీ వాలా? హా ప్రీ అడాప్టేషన్ కా పప్పీస్ హై క్యా? అగర్ హోగా భీ తో ఆప్ కైసే ఆయేంగే లేనే? మే బిహార్ సే బాత్ కర్ రహా హూం. హలో హాన్ జీ బతాఓ. మే ఆప్కా వీడియో దేఖా యూట్యూబ్ పర్. यूट्यूब में मैं वीडियो देखा डॉग्स एडॉप्टेशन. हाँ तो मिल जाएगा, बोलिए. हाँ पप्पी से क्या अडॉप्ट करने के लिए? हाँ है है पप्पी है. क्या भाई? हेलो भाई. हाँ मिल गया. अरे यार ये तुम्हारी तुम ही क्यों खोज रहे थे, कहाँ थे भाई? भाई हमको डॉग चाहिए. अरे तो तुम चाहिए, कहाँ हो तुम? मुलाकात कैसी होगी तुमसे बताओ भाई? हमको यहाँ पर यूट्यूब से मिला आपका नंबर. अरे यार हाँ हाँ यूट्यूब पे हम वीडियो ही इसलिए डालते हैं ताकि तुम कॉल कर लो. कैसे कैसे वैसे कैसे कॉल किया तुमने आज? आज हमको डॉग. और सब सब बढ़िया तो है ना? सब बढ़िया है. सब खैरियत? सब. घर में मम्मी पापा सब कैसे हैं? बढ़िया है. घर पे की मतलब कहीं निकले हुए हैं? नहीं निकले हुए, घर ही है. नहीं घर पे नहीं है, घर ही पर है. घर पे है, बात कराने जरा से. हम उनके पापा बोल रहे हैं. हाँ नहीं बात कराना जरा सा. अरे तुम्हारे पापा मेरे दोस्त है यार, तुम उनकी आवाज में नहीं पहचानता, गजब हाल है यार. तुम एकदम जल्दी बात कराओ यार. कितने तक का? अरे जल्दी जल्दी बात कराओ बेटे, पापा से बात कराओ जल्दी से. कितने तक का? अरे जल्दी बात कराओ. कितने तक का? अरे नहीं नहीं